What do you think about Dr. Razia, जिस चांद की फैमिली के सामने, सबके सामने जो उनकी चाची है उनकी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज किया? मुझे लग रहा था कि ये जो औरत है ना, ये डॉक्टर रजिया, ये जो है अपना मुंह खोलने वाली है। अब हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेट मैटर था, वो अपने हिसाब से अपनी फैमिली में डिस्क्लोज करते। तारा के फादर है जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जबकि वो बहुत जॉली पर्सन है, लेकिन बड़ा भैरव सब्जवारी का आई थिंक ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब यार। बड़ा अच्छा, बड़ा जॉयफुल कैरेक्टर है। अल्लाह ताला ऐसे बाप सबको दे। आपको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होते हैं, जो कि आई अंडरस्टैंड कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत मुश्किल है कि आपको मिले आपका खुद का मी टाइम। बिल्कुल। और चांद की जो फैमिली है यार, ठीक है, दे आर ऑल लवी डवी, दे आर ऑल केयरिंग, दे आर देयर फॉर यू, बट उनको वाकई कुछ लोगों को तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतिया अब्बास रिपोर्टिंग फ्रॉम द वर्क स्टूडियो। मेरे साथ मौजूद हैं आज हेमंत तनवीर, एंड यू आर वॉचिंग दिस थर्ड एपिसोड ऑफ ड्रामेबाज विद वर्क। सो अतिया, डिड यू वॉच द रीसेंट एपिसोड ऑफ चांद तारा? Oh yes, I did. I actually watched a couple of episodes, और हम काफ़ी टाइम बाद रिव्यू करें, तो आई थिंक इट्स बेटर दैट इफ यू गो बैक अ लिटिल एंड डिस्कस द स्टोरी लाइंस एंड क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ड्रामे में। आपने देखा? हाँ, मैंने भी देखा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट एपिसोड? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, शूट देम एट मी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डॉक्टर रजिया, जिस तरीके से उन्होंने तारा की फैमिली के सामने, उनकी चांद की फैमिली के सामने, सबके सामने जो उनकी चाची उनकी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज किया विदाउट हर कंसेंट, और ये एथिकल था या नहीं था? मुझे तो बहुत बुरा लगा इस तरीके से। आप किसी को मुझे देखते हुए भी हो रहा था, जब वो सीन चल रहा था मुझे लग रहा था कि ये जो औरत है ना, ये डॉक्टर रजिया, ये जो है अपना मुंह खोलने वाली है। बिकॉज ऑलरेडी द वे शी वाज सिटिंग, इतनी कोई स्टोइक फेस से एकदम बिल्कुल यूं कि पता नहीं जबरदस्ती बिठाया गया, जो कि वाकई जबरदस्ती बिठाया गया था। वो मतलब अपने तारा के के फादर के साथ और तारा के उसमें मजबूरन वो आ गई थी, तो मुझे लग रहा था ये जरूर कुछ ना जहर उगलेंगी। बट अतिया, डू यू थिंक इट्स राइट कि आप किसी के घर जाके उसको इस तरीके से इंसल्ट करें, जबकि यू नो द अदर पर्सन इज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल? बिल्कुल भी नहीं, ये तो इसका तो सवाल बाय डिफॉल्ट नो है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, चलो कोई और आप नॉर्मल सी कोई मतलब घरेलू औरत होती, ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड डॉक्टर, जो कि अपने प्रिंसिपल्स को बहुत अपने सीने से करीब रखता है। वो हर वक्त तारा को लेक्चर कर रही होती है कि बेटा कोई हॉस्पिटल का कोई डेकोरम होता है, कोई तमीज़ नहीं है तुम्हें, सोबर कपड़े पहनो ओपीडी में, एंड समबडी हु होल्ड्स द मेडिकल एथिक्स वेरी क्लोज टू अवर हार्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी बातों से और उनकी हरकतों से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। लाइक दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी रूल कि यार आपको अपनी डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को मतलब मेंटेन करनी चाहिए। दिस वॉज टोटली अगेन मेडिकल एथिक्स, जिस तरह से उन्होंने एक प्रेगनेंसी, मिड एज प्रेगनेंसी वाली बात उन्होंने इस तरह से सबके सामने डिस्क्लोज कर दी, जो कि ऑलरेडी सोसाइटी में एक एज अ टैबू कंसीडर एग्जैक्टली, नोइंग के मतलब कि कितना डिफिकल्ट होता है इस एज में प्रेगनेंसी को लेकर करना उस फैमिली के साथ, वो भी चलो कोई डिफरेंट सेटिंग में नहीं, आप रिश्ते के लिए आए हुए हो, आपका तो आप तो बिल्कुल थर्ड पार्टी हो, यू हैड एब्सोल्युटली नो राइट टू डिस्क्लोज इट। डिस्कस की बात तो बहुत दूर की बात, डिस्क्लोज करना इससे बड़ी चांद की फैमिली भी बड़ी अफेक्टेड थी, ठीक है, बहुत अफेक्टेड थे। लेकिन मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगा कि जब चांद ने तारा को मतलब फोन पे, जब आफ्टर दिस ऑल हैपेंड यू नो, तो चांद ने बोला उसको तारा को कि देखो मैं, अगर मेरी बेइज्जती होती है तो मैं वो मतलब बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन इफ़ इट कम्स टू माई फैमिली, सॉरी, मतलब ये नहीं, दिस इज़ नॉट कूल। तो आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर यू ड्रॉ द लाइन, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों साइड दिखानी भी जरूरी थी, क्योंकि आप अपनी फैमिली पे कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, you know? बिल्कुल, बिल्कुल. चांद की फैमिली की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इवन दो ये बहुत गलत तरीके से बताई गई थी, लेकिन उन्होंने बुरा तो उनको फील हुआ था, लेकिन इस चीज के ऊपर बुरा नहीं फील हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उनको बताया गया था इस बात पर उन्होंने एक फर्स्ट की। अब हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेट मैटर था, वो अपने हिसाब से अपनी फैमिली में डिस्क्लोज करते, आप एज अ थर्ड पर्सन आपको कोई राइट नहीं था, एंड एज अ डॉक्टर तब तो मतलब चलो कोई और एक्स वाई जी पर्सन करता, हम समझते कि चलो अहमकाना हरकत ही कर दी, बट फ्रॉम अ डॉक्टर दैट वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड वेरी। अच्छा, मुझे लग रहा था ना ये सीन मतलब ये हो जाएगा, इस पर कोई वो कॉल आउट उनको नहीं करेगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि एपिसोड के एंड में उनके हस्बैंड ने, मीर जाफर साहब ने उनको, अपनी बेगम को कॉल आउट किया कि ये तुमने कैसी हरकत की है, ताकि ये दिखाएं यार, शुक्र है कि सेलुलॉइड पे ड्रामा में उन्होंने ये सीन दिखा दिया कि यार दिस इज एब्सोल्युटली नॉट, आप चाहे तो लो, वो तो डॉक्टर थी, आप किसी से भी किसी की जिस तरह की चीज नहीं कर सकते। True.
और इसके जो उन्होंने जो तारा के फादर हैं जो उन्होंने स्टेप्स लिए जबकि वो बहुत जॉली पर्सन है लेकिन बड़ा भैरव सब्जवारी का आई थिंक ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब यार बड़ा अच्छा बड़ा जॉयफुल कैरेक्टर है अल्लाह ताला ऐसे बाप सबको दे आमीन मतलब द वे ही इज सो सपोर्टिव फॉर तारा द वे वो अब तारा की मतलब वो समझते हैं कि उनकी बेटी को क्या चाहिए अपनी बेटी की खुशियां आगे रखते हैं तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड अच्छा कमिंग बैक टू डॉक्टर रजिया मुझे एक और चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी कि तारा ने जब उनको बोला कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी मुझे अमेरिका भेज दे मुझे पढ़ाई करना है और गुस्से में बोला एक सरसरी सी बात थी उसको उन्होंने इतना बड़ा बना के और अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं किस तरह चलो ठीक है मेरी बेटी, हाँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल उसने ठान ली है कि वो तो चांद से जो है चांद से शादी करेगी चांद के साथ देगी चलो मैं इसको फैमिली से जुदा कर दूँ हाँ. तो उसने ये हालांकि यार मतलब मुझे लगता था अल्लाह की बंदी पहले सबसे पहले तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी जाके चांद को अपोलोजाइज करना चाहिए था ठीक है तुमने वो नहीं किया ठीक है उल्टा तुमने इसी में एक अपॉर्चुनिटी देख के चांद को अच्छा चांद कभी मतलब आई वॉज अ बिट लाइक व्हाट यू कॉल कंफ्यूज्ड अबाउट हिज रिएक्शन टू इट उसको तारा को ये बात जरूर बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी अम्मी इस कंडीशन पे मानी है बिफोर लाइक यू नो चांद फैमिली केम टू तारा हाउस उसको तारा को ये बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए थी कि यार ये सीन है तुम्हारी अम्मी ने इस बात पर अग्री किया है आप किस तरह से यार इतनी इट वाज अ बिग थिंग इट वाज अ बेसिकली लाइक मेक और ब्रेक थिंग कि अगर तुम तैयार हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी और वो भी आई अंडरस्टैंड के बाहर जाने की तो खैर सबको ही सवार होती है लेकिन चांद को भी हाँ मुझे एक ना बहुत वियर्ड चीज़ ये लगी कि चांद ने भी फौरन से मतलब कि ना इधर सोचा ना उधर कि उसकी फैमिली चले तारा भी बाद में आती है अपनी फैमिली को पूछने का भी कंसिडर नहीं किया हाँ मैं मान गया हूँ मुझे बाहर भी लेकिन आई थिंक ही वाज जस्ट डेस्परेट बिकॉज यू नो कभी कभी जिस तरह से उसकी मदर इन लॉ जो थी वो हमेशा जो मतलब मदर इन लॉ टू बी वो बहुत ही क्या कहते हैं कि उनको लेके था उनको कि you know she was not agreeing to this marriage you know she was so against him to usko zara se bhi jhalak lagi ki yaar thodi convince ho rahi hai to usne bola ki yaar haan haan main taiyar hu lekin again mujhe laga ki bahut jaldi hi maan gaya bahar ka sunne ka kyunki bahar specialization mein tumhe fund karungi jiski ammi ne kaha ki main sponsor karungi tum dono ko main tum log ka kharcha uthaungi aur tum log bahar chale lekin mujhe I understand ki chand kyunki ek joint family system mein raha hai and usko ye usne bahut clearly bola bhi ki mujhe apni family se problem nahi hai lekin mujhe isse problem ki meri koi privacy hai privacy bilkul bhi nahi hai to I get it but still yaar aisi jo cheeze hoti hai you need to discuss with your partner first and then you had to like you know bring it halanki mulaqat bhi hui thi hospital mein pata nahi batana zaruri nahi samjha mere khayal se acha if I give you two options ke joint family system ya phir living alone with your partner आप कौन सा चूज करेंगी यार आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस और हर मॉडर्न लड़की का यही जवाब होगा कि यार ऑफ कोर्स आई वुड लव टू लाइक लिव अलोन विद माय पार्टनर एंड देन अगेन मैं कुछ पब्लिक रिएक्शंस देख रही थी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज कि हमारा तो एक क्रिटिकल व्यू होता है ऑफ द ड्रामा बट व्हाट द पब्लिक इज सेइंग तो मैं एक चीज नोट करी थी कि लोग बहुत सारी जो लाइक मॉडर्न लाइक यू नो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर लिविंग अलोन विद योर पार्टनर सो आप क्या पिक करेंगे यही सवाल आप खुद से पूछें आपका क्या जवाब होगा यार वैसे ऑनेस्टली मेरा जवाब थोड़ा सा डिफरेंट है अगर द फैमिली अगर मुझे पता है कि वो अच्छी है तो आई हैव नो इशूज लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक फैमिली है तो ऑब्वियसली किसी भी लड़की का यही जवाब होगा कि वो अपने पार्टनर के साथ अकेली रहे यार प्राइवेसी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज राइट अगर समबडी के लिए प्राइवेसी होना अपनी एक अपना यू नो एक अपना एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई इस पर नहीं करे टांग ना लड़ाए कुछ बोले नहीं तो आई थिंक वो लोग बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में एंड देन यार आई वी सीन इट इन आवर कल्चर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में इनहेरेंटली बहुत प्रॉब्लम होते हैं ठीक है एंड इट हैज बीन द मतलब बहुत सारा एक प्राइमरी कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है कि झगड़े हो रहे हैं जस्ट बिकॉज यू नो बन नहीं रही है आपस में लाइक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ताने दिए जा रहे हैं एवरीथिंग बट देन हर जगह ऐसा नहीं होता हाँ मेन स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है ये होता है बट लेकिन जिस तरह की ऐसे आए मॉडर्न लड़कियाँ जो होती हैं द वन हु जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिज इनकी शादी होनी है तो वो प्रेफर करती हैं कि भाई हम जॉइंट फैमिली में नहीं जाएं एंड राइटफुली सो कि उनके रिजर्वेशंस होते हैं ठीक है फड्डे से बचना चाहती हैं कुछ लोगों लड़कियों को ये होता है कि मेरे पहनने उड़ने पर मत नाम ना बोला जाए चिक चिक नहीं हो सुबह की नहीं हो सुबह से मैं उठूँ अपना टाइम हो स्पेस हो तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं तो लेकिन
वे मैंने एक चीज़ चेक करी थी कि रिएक्शंस थे पब्लिक के काफ़ी कि जानबूझ के जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है. आई जस्ट डोंट फील कि इसमें कोई बुरी बात है. ठीक है यार, इट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर, प्रमोट किया जाए बिल्कुल. लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि यार दिखाया जा रहा है कि कितना अच्छा होता है, कितना वाइब्रेंट और यू नो इट्स सो फन, बट इन एक्चुअल रियल लाइफ इट इज़ नॉट द वे इट इज़ राइट. चाहे कितनी भी आपकी मजे की और फन फैमिली हो, आपको एक प्रॉब्लम्स होती हैं आपको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, जो कि आई अंडरस्टैंड कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत मुश्किल है कि आपको मिले आपका खुद का मी टाइम. बिल्कुल. और चांद की जो फैमिली है यार, ठीक है दे आर ऑल लवी डवी, दे आर ऑल केयरिंग, दे आर देयर फॉर यू, बट उनको वाकई कुछ लोगों को तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है यार. आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल इन द रिसेंट एपिसोड. वो लोग चांद की फैमिली आई हुई है नैनतारा के घर पर, ठीक है, बात करने रिश्ते की. उसकी चाची देख लेती हैं कि वो मतलब शी बेसिकली सुन लेती हैं उनकी बात तारा और चांद की, और उसको एक चप्पल उठा के मारती हैं. यार हु डज दैट? आप किसी के घर पे रिश्ते पे आए हुए हो यार, आप चप्पल उठा के किस तरह से मार सकते हो? नहीं भी आप हो मजे के, जिस तरह के भी आप खुले लोग हो, आप जब भी कहीं जाते हो एक तरह का डेकोरम होता है यार. आप थोड़ा तमीज तो वाकई छू के नहीं गुजरी है बिल्कुल, जो बात है ना उनमें. लेकिन उसमें ही दिखाया है कि लवी डवी, लेकिन आई जस्ट फील कि कुछ लोगों के लिए बहुत क्रिंजी हो जाता है कि नहीं यार चलो ठीक है मजे देखने में सही है, बट लिविंग थ्रू इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. तो जो चांद के जो चाची और चाचू हैं उनके बारे में आपकी क्या राय? यार बड़े मजे के कैरेक्टर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा और बहुत मजे के कैरेक्टर लगे. इवन द आशिर, मुझे उसका नाम है भूल, आशिर वजाहत, हाशू जो प्ले कर रहे हैं, उनकी शादी हो रही है और बिल्कुल अर्जेंट नोटिस पे उन्होंने कहा है कि बड़े मजे से कि एक दिन का नोटिस है, आप खाना भी अरेंजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ढोलकी भी, माहियों भी, मेहंदी भी, सब होना चाहिए. इन रियलिटी आई डोंट थिंक अगर ऐसा कुछ, जैसे कहते हैं ना ऐसी चीजें सिर्फ ड्रामों में होती है, तो वही ड्रामों में ही हो रही है. तो लेकिन ज्यादा दिखाया है कि एक दिन अगर दो दो फंक्शन हो रहे हैं वो भी इतनी कम नोटिस पे. सो अच्छा मुझे थोड़ा सा ये कि अगर मैं पहली बार ससुराल जा रही होती तो मेरी मम्मा मुझे कभी भी इतना भड़कीला कपड़ा पहन के जाने नहीं देती. तो जाने नहीं देती वो तो अलग, बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग बात हो गई. लेकिन यार थोड़ा सा सोबर, मतलब देन अगेन चॉइस की बात होती, थोड़ा सोबर बन के जाओ. यू कांट जस्ट वेयर अ रेड लहंगा चोली लाइक दैट. चले लेकिन दैट्स तारा, वी आर टॉकिंग अबाउट उसका सिग्नेचर स्टाइल होगा वो, लाइक शी सेज इन द ड्रामा. लेकिन ओवरऑल मुझे चांद तारा देखने में काफी मजा आ रहा है. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड बिकॉज मुझे हो रहा है कि यार इनकी शादी होती है, निकाह होता है, क्या होता है, बिकॉज बातचीत तो चल रही है. उस पर से डॉक्टर रजिया ने बड़ा ये जो है ना ये कमाल का उन्होंने माइंड गेम खेला है, माइंड गेम खेला है कि उन्होंने एक चीज जो है वो डाल दी है चांद को कि यार मतलब अगर तुम चाहते हो कि शादी हो तो ये कंडीशन है. अब उस पर तारा और उनके जो है वो झगड़े, जो क्यूट मतलब जो एक मोमेंट्स हैं वो हो रहे हैं, तो इट्स फन टू वॉच. आई थिंक इट्स वेरी लाइट हार्टेड कॉमेडी दैट यू वुड रियली लाइक टू वॉच, यू नो, इन रमजान स्पेशली. आप ना बहुत चिल होके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग लगाना पड़े या कुछ मजा नहीं आ रहा. एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू फेरी टेल, आई एम लाइकिंग चांद तारा. मुझे फेरी टेल बिल्कुल की स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही फॉर नाउ. मे बी आई विल गिव इट अनदर शॉट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू जज. लेकिन ये कि अब इट्स गेटिंग अ लिटिल यू नो मतलब थोड़ा सा आई हैव इश्यूज, कुछ मुझे इश्यूज हैं. आई थिंक दिस इज समथिंग एक्चुअली गोना लाइक रैप अप इन द नेक्स्ट एपिसोड वेयर वी आर रिव्यूइंग फेरी टेल, राइट? So that's pretty much it for now.